मैं चाची फीनियस और फर्ब एक महा एपिसोड बना रहे हैं। हाँ सही कहा। स्पेस बोर्ड पर सर्फिंग करो तो एस्टेरॉयड ओशन के मजे ले लो, जाएंगे जूम 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 स्ट्रेटोस्फीयर में, किसे यूं ही नहीं कहते फाइनल फ्रंटियर, सुपर स्पीड से पार करें बॉय, देखेंगे एस्टेरॉयड कुछ कर दिखाए आओ रॉक करें, प्लेस पर देखेंगे सारे नजारे, उन दोस्तों के संग तुम आ जाओ, सुपरनोवा पार्टी तुम भी देख पाओ, बड़े कॉमेट वैसे को भी पीछे छोड़े, प्रेशर सूट पहन के इतना तेज दौड़े, सुपर स्पीड से पार करे बॉय, देखेंगे एस्टेरॉयड, देखेंगे एस्टेरॉयड, देखेंगे एस्टेरॉयड। आज तो मजा आ गया। हाँ, वो कॉस्मिक रेस जो हमने अपने सैटेलाइट डिश से कटी की थी, उनसे हमारे सबवर्ट बहुत अच्छे से चले। मुझे स्पेस स्टेशन पहुंचना है। तो चलो। तुम्हें पता है, इन स्पेस सूट में हम कर सकते हैं। जल्दी चलो, मुझे सूट में नहीं करना है। आओ दोस्तों, ये बताओ एस्ट्रॉयड वेव्स कैसे थे? अरे पूछो मत, मजा आ गया दोस्त। मैंने तो पहले ही कहा था हम मॉड्यूल को नीचे लाने वाले हैं, लैंडिंग की तैयारी है ना। बस एक सेकेंड, अब रास्ता साफ है। अरे पेरी कहाँ है? कितना भी जोर लगा लो, पेरी द प्लैटिपस तुम निकल नहीं पाओगे। यह हाइड्रोलिक है। पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, पर मेरा भाई रॉजर यहाँ का मेयर है। पता नहीं घूम फिर कर अपने भाई के बात क्यों करने लगता हूँ मैं, पर वैसे इस बार अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये वाला काम मुझे मेयर वाली पावर्स दिला देगा। इसीलिए मैंने बनाया है ये पावर ड्रेनिनेटर। इससे मैं उसकी सारी पावर्स को खींच कर उन्हें अपने अंदर डाल दूंगा और फिर मैं हाइंस डूफेंशमर्स उन्हें इस्तेमाल करूंगा। जरा सोचो, उसके बाद मैं टैक्स बढ़ा सकूंगा, कानून बना सकूंगा, यहाँ तक कि उद्घाटनों में रिबन भी काट सकूंगा जिनमें मैं ये इस्तेमाल करूंगा। अच्छी है ना ये कैची, मैंने सेल में खरीदी थी। ओहो, असल में ये उन हाइड्रोलिक लाइंस में से एक है जो तुम तक आ रही है। ये क्या, मौका मिलते ही तुमने तोड़ फोड़ शुरू कर दी? और ये कोई तरीका है क्या? मैंने तो सोचा था कि एक महा एपिसोड है। तुम्हारा सत्यानाश हो पेरी द प्लैटिपस। Hey, विनी, आज भी वो ही? हाँ, ओल्ड इज गोल्ड और नहीं तो क्या? बच्चे, hey, क्या हुआ? तूने कर तो दी, ऐसा था मेरा, तूने बच गया कभी, इसे पहले के। मुझे नहीं पता था कि ये पूल पार्टी है, वरना अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया था। देर आया पर दुरुस्त आया। हाँ, वो कॉस्ट्यूम पहनने में थोड़ी सी देरी हो गई। पीछे हट जाओ दोस्तों, वो ताकतवर मशीन बड़ी जोर का पंच मारती है। हल्क उससे भी जोर से मारेगा। मोडॉक, इन जब को जब्त कर दो। ना समझ, इस चाल से किसी और को डराना। बच गया। हो गया ना टाइट फिस। बोलो, मेरे जाल से कहां भागोगे? चलो तुम दबा के भागो, हटो यहां से डिब्बे। वो क्या था? पता नहीं, लेकिन वो सब भाग रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया। अब कुछ तो गड़बड़ है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ, हमारा जानदार हथौड़ा म्योर ने उन्हें गिरा देगा। हमारी ताकत खत्म हो गई है। हल कर दिखाएगा। लगता है किसी ने हमारी शक्तियाँ छीन ली हैं। मुझे जार्विस से बात करनी होगी। चलो शील्ड में चलें। सुनो दोस्तों, मुझमें ताकत नहीं है, मेरा सूट भी जम गया है। कोई साथी हाथ बढ़ाएगा? हल्क, उसे उठा लो ना। हल्क भी कमजोर हो चुका है। ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए बाबा गाड़ी मंगवा दो ना प्लीज। आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है।
मॉम जल्दी आइए, देखिए इन्हें। हाय मॉम, कैसे हो बच्चों? तुम स्पेस में क्यों नहीं हो? हमें भूख लगी थी। याद आया, मैं जाने से पहले स्नैक्स बना देती हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है, बिना पावर्स के तो मैं कॉस्ट्यूम पहना हुआ जोकर लग रहा हूँ। और हमें हमारा हथौड़ा सड़क पर छोड़ना पड़ा, हम उसे उठा नहीं पा रहे थे। तुम लोग लकी हो कि इस मेटल सूट में तो नहीं हो। सुबह सुबह जलाब की गोली लेके पछता रहा हूँ। अब पता लगाना होगा कि वो बीमारी कहाँ से थी। डैनविल, डैनविल USA। तब से लेकर अब तक आप वहीं पर खड़े थे क्या? हाँ, मैं वहीं पर था। जो बीम तुमसे टकराई वो ट्रॉय स्टेट एरिया में पैदा हुई थी और फिर एक स्पेस स्टेशन की सैटेलाइट डिश से डिफ्लेक्ट होकर तुम पर गिरी थी जिस वक्त तुम लोग लड़ रहे थे। वो शील्ड की है? नहीं, वो उनकी है। उस लड़के के सिर का शेप कितना अजीब है ना। पहलवान साहब जरा सामने से हटो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कोई सहारा देगा? कोशिश करता हूँ। उन छोटे वाले टुकड़ों को भी ठीक से हटाना। ए, नहीं नहीं नहीं, अब बड़े वालों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओकी डोकी। वैसे इस पावर ड्रेनिनेटर के टूटने से पहले इसमें से एक बीम निकली थी, हो सकता है किसी को लगी हो। देखना, न्यूयॉर्क सिटी, एक रहस्यमय किरण ने हमारे चार सुपरहीरोज की शक्तियाँ खींच ली है। अब हमारा कार्यक्रम फिल्मी गपशप जारी रहेगा। वो मैं था, मैंने खींची थी उन सुपर हीरोज की पावर। मेरा जवाब नहीं। अपनी शहर की तबाही .com पर ईमेल ब्लॉग डाल देता हूँ। OMG, मैंने यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क के कुछ सुपर हीरोज की सारी पावर्स खींच ली और अब वो पावर्स मेरी हैं। 3 बार D और सेंड। नौ उन पावर्स को कैनिस्टर से बाहर निकालो ताकि मैं उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर सकूं। मैं जल्दी से उड़ना और तेज भागना और बिना किसी कारण के बड़ा सा हथौड़ा उठाना चाहता हूं। सर, मुझे खाली कैनिस्टर्स उठाना बिल्कुल पसंद नहीं, और ये कैनिस्टर खाली है। क्या मतलब मेरे पास पावर्स नहीं है? आप लिख दीजिए कि पिछला मैसेज गलत था। नहीं, जो भेज दिया तो भेज दिया, इंटरनेट पर सभी पढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। उसमें एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन हो गई थी, ये फुटेज देखकर साफ पता चलता है। उसको छोटी सी मिसकैलकुलेशन कहना ठीक नहीं होगा रेड स्कल। हम इन हीरोज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। बस फिलहाल ये भी कुछ कम नहीं कि उन हीरोज की शक्तियाँ छिन चुकी हैं। पर उनकी शक्तियों को हुआ क्या होगा? मोडॉक, मैं मोडॉक, इंसान की समझदारी और मशीन का बेमिसाल मेल। मैं वर्ल्ड वाइड वेब के विशाल नेटवर्क पे स्टोर की गई सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन की जांच कर सकता हूँ। मैं वही काम अपने फोन से कर लेता हूँ, साथ ही इसमें रोमिंग का प्लान फ्री है। सही है, जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे एक मामूली इंसान डूफिंच मर्स के बारे में पता चला है, जो सारे सुपर हीरोज की सारी शक्तियों को खींचने का दावा कर रहा है। डूफिंच मर्स, नाम बहुत अजीब सा है, पर वो जो भी है, अब हमारे लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो है कौन ये डूफिंच मर्स? अब मैं उसकी इमेज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वो इंसान तो बदसूरत है, लंबी नाक, बड़ी आंखें। इसकी कहानी तो क्या बढ़िया होगी। कहाँ मिलेगा ये विचित्र आदमी? वो ट्राई स्टेट एरिया में है, यानी के डैनविल में। डैनविल? हाँ दोस्तों, लगता है इस महान हस्ती के दर्शन करने ही पड़ेंगे। मैं आगे बैठूंगा। तुम्हें पता ना, तुम आगे की सीट पर पूरे नहीं आते। बहुत मजा आया, और अभी 10:30 हैं, और क्या किया जाए। अच्छा सुनो बच्चों, मैं आज ट्राई स्टेट एरिया का वॉकिंग टूर करने के लिए जा रही हूँ। हाँ कैंडिस, तुम इन चार्ज हो। बाय बच्चों। हे पेरी, कहाँ है? ओ, वो रहा। प्लैटिपस ट्रैप एंगेज्ड। पेरी द प्लैटिपस। तुम पेरी द प्लैटिपस नहीं हो, तुम लोग कौन हो? ये है विप्लैस, ये है वेनम, और मैं हूँ रेड स्कल। हाँ हाँ बिल्कुल हो, तुम अपना नाम नहीं बताते तो भी पता चल जाता, तुम्हारी खोपड़ी तो लाल ही है। मैं मोडॉक हूँ, और तुम ही हो ना वो जिसे डूफिंच मर्स कहते हैं? हाँ वो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बर्थडे सॉन्ग के आखिर में वो लोग यही गाते हैं। मतलब अगर कोई मेरे लिए गाता तो आखिर में यही गाता। खैर, ये उड़ता हुआ सिर और लटकी हुई बाजुएं, ऐसी कोशिश मैंने बचपन में की थी। ट्राई स्टेट एरिया पर मेरा राज होगा। मैं कभी दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया, पर तुम तो बड़े आराम से तैर रहे हो। वैसे किस लिए आए हो तुम यहाँ? हमें सारे उपकरण दिखाओ डूफिंच मर्स। क्या कहा, सारे उपकरण? ये फारसी है क्या? अपने सारे उपकरण दिखाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई और? मुझे भी नहीं पता। हमें अपनी मर्जी ने दिखाओ। ओ, तुम मेरे इनेटर्स देखना चाहते हो? बहुत अजीब तरीके से बात करते हो। मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जिस पर काम कर रहा हूँ। ये है स्लॉथ इनेटर, इससे मुझे स्लॉथ की पावर्स मिलेंगी, बहुत धीरे चलना और बहुत सारे पत्ते खाना।
तुम्हारे दिमाग की बत्ती तो जरी जली थी ना। मॉडॉक गलती नहीं करता है। तो मतलब वो जानबूझ कर बेवकूफ होने का दिखावा कर रहा है। जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद मैं इस पूरी टहनी को खा सकूंगा पर बहुत धीरे धीरे। हे फॉर, तुमसे कोई मिलने आने वाला था क्या? ये नहीं। सुपर हीरोज के सुपर पावर्स को चुराने के हिसाब से तुम थोड़े छोटे नहीं हो? हाँ, है तो स्पाइडरमैन अगर ये हमने किया होता तो जैसा मैंने कहा ये हमने नहीं किया है। तुम देख नहीं पा रहे हो लेकिन मेरे चेहरे पे तो इस वक्त 12 बजे हुए हैं। इसे पीने से आपका मुंह ठीक हो जाएगा। बॉक्स में जूस? हमारे एस्गार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नहीं जाता। शांत, मैं डाल देता हूँ, लाओ। थैंक्स इज़ाबेला। तो वो शक्तियाँ छीनने वाली किरण ट्राइस्टेट एरिया से आई थी। मुझे लगा तुम लोगों को ये पता होगा क्योंकि वो तुम्हारे स्पेस स्टेशन से डिफ्लेक्ट हुई थी। पक्का वो हमारा स्पेस स्टेशन था? उसकी शेप तुम्हारे सिर जैसी है। बातों से तो हमारा ही लग रहा है पर हमें इस तरह की किरण के बारे में कुछ नहीं पता है। इसी बात का तो डर था। अब कुछ भी करके हमें अपनी शक्तियाँ वापस लानी होंगी। मैं समझ गया हूँ मैं क्या। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मॉम जानवल में घूम रही है और डैड बेसमेंट में सामान ठीक कर रहे हैं, इसलिए मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए किसी तरह की शरारत नहीं। हे स्पाइडरमैन, तो मैं पूरा दिन स्टेसी के घर पे। हाय, कैसी हो? वैसे हम भी यहाँ पर हैं। इतने सारे सुपर हीरोज हमारे किचन में। कैनिस थोड़ी देर आराम करना चाहती है। हीरोज गहरी सांस लो। और हल्क, आयरन मैन, छोड़ो ना, सुपर हीरोज ही तो है। लगता है वो तुम लोगों की फैन है। अच्छा ही हुआ उसने ये नहीं देखा। अरे मैं ठीक हूँ। हे पेरी कहाँ है? बैठ जाओ चटे। आज के अभियान की गंभीरता को देखते हुए बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे ये जनाब तुमसे कुछ बात करेंगे, जबकि मैं ये पुराना टीवी मॉनिटर इस्तेमाल करूंगा जो कार को बेसमेंट में मिला था। माफी चाहूंगा सर, मैं उसमें स्प्लिट स्क्रीन नहीं चला पाया। खैर, ये डायरेक्टर निक फ्यूरी है, SHIELD के। शील्ड कहो, शॉर्ट फॉर्म है। ओ, जैसे ओका। हाँ, हालांकि अटपटा है। मेजर, आपके एजेंट कहाँ हैं? वो जो बैठे हैं सामने। आपका मतलब प्लैटिपस के पीछे? नहीं, वही है सीक्रेट एजेंट पेरी द प्लैटिपस। तो क्या इस प्लैटिपस में कोई खास तरह के सुपर प्लैटिपस पावर्स हैं? नहीं। क्या इसके पास किसी तरह का रोबोटिक प्लैटिपस एक्सोस्केलेटन है? इसके पास एक हैट है। एक मिनट, आपने ये आईपैड शुरू से लगा रखा था? ओह ये, हाँ, ये डॉक्टर ने कहा है इन्फेक्शन हो गया है। इन्हें लगता ही ऐसे अच्छे दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैं यहाँ कुछ और सोच कर आया था लेकिन फिर भी एजेंट पी, आयरन मैन, थोर, हल्क और स्पाइडरमैन की शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। उस किरण की वजह से जो हमारे हिसाब से डैनविल इलाके में कहीं से निकली थी। हमें डर है कि सुपर विलन्स इस बात का फायदा उठा सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हालात पर नजर रखो और हमें रिपोर्ट दो। फ्रांसिस, मुझे आज ही एक। अब दो पैच क्यों? इन्हें लगता है दो आई पैचेस में ये और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे हॉल ऑफ इनेटर्स में स्वागत है। ये बहुत अच्छा है। ये मेरा दलिया से उपमा इनेटर, इसके बारे में मैं 4 दिन लगातार बोल सकता हूँ। और ये है मेरा टैक्टिकल हीलियम पानी में बबून इनेटर, इसका तो सिर्फ नाम ही काफी है। ओह, और ये है मेरा वॉफल इनेटर। और ये जंक मेल। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मशीनें बेकार की हैं। इस आदमी को इलाज की जरूरत है। शायद लोग इसे बेवजह जीनियस समझते हैं या शायद समझ चुके हैं कि ये एक नंबर का बेवकूफ है। और आखिर में मेरा डिसइंटीग्रेटर इनेटर, है ना जबरदस्त? वो मशीन का है जिसने हीरोज की शक्तियाँ छीन ली थी। ओह, मेरा पावर अदला बदली इनेटर। ओह, वो बहुत अच्छी मशीन थी और उसे मेरे दुश्मन पेरी द प्लैटिपस ने नष्ट कर दिया अभी कुछ देर पहले। पेरी द प्लैटिपस? वो कोई सुपर सोल्जर प्लैटिपस है? नहीं, उसे किसी रेडियो एक्टिव प्लैटिपस ने काटा था क्या? नहीं, वो बस अपराध से लड़ने वाला एक आम सा प्लैटिपस है। अच्छा, जाने दो, वो मशीन फिर से बनाओ। ओह, मतलब हम साथ में काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारा लीडर रहूंगा। मैं हमेशा से चाहता था मेरे स्टाफ में शैतान हो। खत्म कर देते हैं। नहीं, इसे लगने दो कि ये इंसार्स है। जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी हम इसे ठिकाने लगाने के लिए मोडॉक के हवाले कर देंगे। पर मोडॉक है कहाँ? छोटे दरवाजों वाला ये डैनविल बेकार शहर है। सुनो, उस मशीन को फिर से बनाने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तो तुम ही हो या यहाँ कोई और है जिसके सर से आग निकलती है? लेडीज एंड जेंटलमैन, और हल्क पेश है हमारा सीक्रेट हाइडआउट फॉर इमरजेंसी डिफेंस, या शॉर्ट में आप इसे कह सकते हैं शेड। मेरे हिसाब से हमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। इसे सिर्फ बाहर से ऐसा लुक दिया है, अंदर की बात कुछ और है। निकले तो ये ब्रिटिश साईफाई टेक्नोलॉजी का कमाल है। आयरन मैन, इस तरह का सूट सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। ओ, ये अच्छा लगा आपको? हाँ, ये है बीक सूट मार्क टू। अभी इसके वाटर प्रूफिंग पे काम चल रहा है इसलिए बारिश में नहीं ले जा सकते। तुम्हें पता है स्टार्क इंडस्ट्रीज समर इंटर्नशिप्स लेती हैं।
थैंक्स, पर इस समय हम बहुत बिजी हैं। लग रहा है। और ये रही तुम्हारी शेड की कार्ड आईडीज, इससे तुम कंपाउंड के किसी भी एरिया में जा सकोगे। और ये तो लैमिनेटेड है। हाय, तुम मेरी फैन फिक्शन पढ़ना चाहोगे? इसमें थॉर और हल्क आइस स्केटिंग सीखने का फैसला करते हैं। पर इस वक्त हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं, ओके? कैंडिस, तुम इनकी इतनी बड़ी फैन हो? बहुत पहले से, तब से जब से मुझे डकी मोमो सुपर हीरो क्रॉसओवर इवेंट में हिस्सा लेने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी। ओके सुपर हीरोज, अब हम उस मशीन को बनाते हैं जो तुम्हारी शक्तियाँ वापस ला सके। फर्ब, मुझे पता है आज हमें क्या करना है। मेरे बुरे दोस्तों, मैं जब तक पता ना चले कि तुम्हारी असली शक्तियाँ कहाँ गई, तब तक ये मशीन कुछ वक्त के लिए उनकी नकल तैयार कर देगी। सब लोग पोजीशन, शुरू हो रहा है कैलिब्रेशन। हीरोज को सुपर हीरोज बना दो। बस एक मिनट कैंडिस, सब ठीक है? ठीक है, बस मुझे एक बार पावर असाइनमेंट्स और रिवर्स पोलैरिटी को लॉक करने दो। कैंडिस, ये क्या किया? तुम सब ठीक हो? ओडिन की सौगंध, हम में नई ताकत आ गई है। देखा, हो गया। शायद और भी उल्टा हो गया, देखो। कहीं कुछ गड़बड़ है। ओह, सच में मजा आ गया। हे, मेरे पास एक आइडिया है। इतनी आइसक्रीम खा लेते हैं कि डिनर की जरूरत ही ना पड़े। कौन रोकेगा हमें? बस बहुत हो गया, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें हीरोज को अपने पास बुलाना पड़ेगा। ये क्या किया तुमने? बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी कैंडिस, तुमने इनकी शक्तियाँ बदल दी है। देखो, थॉर बन गया है स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन बन गया हल्क। हाँ, और ये शक्ति भी बुरी नहीं है। मैम, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, हमें नीचे रख दो प्लीज। आयरन मैन के पास थॉर की शक्ति होगी। कम से कम अब वो हिल तो रहा है। अब सबके पास नई सुपर पावर्स है हल्क को छोड़कर, तो शायद इसके पास आयरन मैन की पावर होगी, पर सूट के बिना ये किसी काम का नहीं। मेरा क्या होगा? चलो, अच्छा इसकी हिंदी तो सुधर गई। तो मुझे वो हथौड़ा दो। कैसे बुलाना है उसे? हाथ यूं करके कहो, आजा, 2.5 किलो का हथौड़े, पापा बुला रहे तुझे। ये ऐसे काम नहीं करता। क्यों? अरे, तुम्हारी शक्तियाँ मेरे पास। शक्तियों से भी ज्यादा जरूरी होती है काबिलियत। सच में? दोनों में ज्यादा नहीं पर अहम फर्क है। यानी समोसे में आलू, आलू में समोसा? हम समझे नहीं तुमने ऐसा क्यों? अब आप ज्यादा मत सोचो, बिजली उसे कैसे कड़कड़ाते? असल में वो सिर्फ हथौड़े के साथ ही हो सकता है। तो उड़ने का क्या? मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा। लेकिन वो भी हथौड़े के बिना। हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा। तुमने ये क्या किया कैंडिस? देखो, वो एक हादसा था, पर मैं अभी भी मदद कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं पता है, ये पूरा ट्राई स्टेट एरिया, बल्कि पूरी दुनिया खतरे में है। कैंडिस, तुम्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए तुम मेरी मशीनों से दूर ही रहा करो। तब तो अच्छा होगा, मैं चली ही जाऊँ। हाँ, वो और भी अच्छा रहेगा। सावधान, सावधान, इस वक्त की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, डैनविल में तबाही। हॉर्स एंड बुक केस को कैंसिल कर दिया गया है 19 साल चलने के बाद। और साथ ही गूगोप्लेक्स मॉल में हंगामा। 3 सुपर विलन्स की एक टीम, जिनके साथ एक फार्मासिस्ट और एक उड़ता चेहरे वाला अंडा भी शामिल है, यहाँ तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। हमें वहाँ जाना होगा। मत जाओ, अभी तुम्हारी पावर्स ठीक नहीं हुई है, हमें थोड़ा और समय दो। जानता हूँ फीनियस, लेकिन हम हीरोज हैं, यही तो हम करते हैं। रुको, हम भी साथ चले। अगर हमें उड़ा पाते तो हाँ कह देते। आज बारिश नहीं हो रही है फर्ब। अब उन्हें यहाँ आना ही होगा।
लगता है किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो क्या कहते हो दोस्तों, टूट पड़े हम? मैं तो काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आयरन मैन का सूट होता तो मुझे भी अच्छा लगता। माफ करना, उसके बिना ही लड़ना होगा। ऊपर देखो, वो सुपर हीरोज लोगों की रक्षा के लिए आ गए हैं, पर उनकी शक्तियों के बिना ये सिर्फ एक फैंसी ड्रेस पार्टी होगी मोडक जमानों ने। मुझे इन कमजोर हीरोज को खत्म करके बहुत खुशी मिलेगी। मैं देखता हूँ इन्हें स्पाइडरमैन स्मैश। क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा था? जरा सा। उनके पास अभी भी उनकी शक्तियाँ हैं। हाँ, पर अदला बदली हो गई है। ये तुमने किया है? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पावर स्विचिनेटर बनाया हो, पर मैं बहुत सारे काश इस वक्त मेरे पास हथौड़ा फेंकने की शक्ति होती। हमने कहा था बात शक्ति की नहीं काबिलियत की होती है। भैंस के आगे भीम बचाने जैसा है। क्या हो रहा है? हमने इसे उठाकर खुद को मुसीबत में डाल दिया है। हम बार बार भूल जाते हैं हम पहले जैसे नहीं रहे। काश हमने वाटरप्रूफिंग पहले कर ली होती। अब मैं हुआ आयरन मैन। अब इस शक्ति के बारे में थोड़ा समझ आया। ओए वेनम, कुछ मिस किया क्या मैंने? स्पाइडरमैन, तुम ठीक तो हो? बिल्कुल नहीं। थॉर, मदद करो। ओह, ये क्या मदद करेगा? आयरन मैन, सॉरी, जरा सिचुएशन टाइट है। ओके, कोई बात नहीं, अब इससे बुरा और क्या होगा। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। तुम्हें याद होगा जब पिछली बार हम बिछड़े थे, तब हमारे जाबाज सुपर हीरोज की जान मुसीबत में फंसी हुई थी। मैंने नहीं सोचा था ये इतना आसान होगा। हीरोज का खेल खत्म समझो। अब सब हमारे कदमों में झुक जाओ, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रोको उसे। Hey, Duckface, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। इसे टिप दे क्या? ये हमारी कार पार्क नहीं कर रहा नहीं है। पर कुछ तो देना होगा ना। आखिर कौन था वो बत्तख जैसा पक्षी? मोडॉक दुनिया की सब बत्तखों को मार देगा। ये सब कुछ नहीं हुआ होता अगर तुम लोग मेरी बात मानकर आइसक्रीम खाने चल पड़े होते। शुक्रिया, हम ये एहसान याद रखेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं देखा है। कहीं वो हावर्ड द डक तो नहीं था? हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें नहीं, वो हावर्ड द डक नहीं था। क्या? मैं तो बस गेस कर रहा था। सही चोच थी उसकी। हमें अपने आप को संभाल कर प्लान बी पर अमल करना होगा। सही कहा। चलो शेड क्वार्टर्स चलते हैं। हाय दोस्तों। तो सब कैसा रहा? बहुत बुरी हालत की उन्होंने हमारी। तुम वेनम से कैसे हार गए जबकि तुम्हारे पास हल्की ताकत थी? हाँ थी तो, पर उस वक्त ताकत का एहसास नहीं हो रहा था। जरा रुको, हम कोशिश करते हैं। हम चिपक नहीं पाए। मुझे इसी बात का डर था। वो पावर्स तुम्हारे सेल डिजाइन से मेल नहीं खा रही। हाँ, मेरा सूट फिर से भारी होने लगा है, लेकिन थॉर की ताकत से इसके जॉइंट्स खुल गए, वरना हिल भी नहीं पा रहा था। अब हम तुम्हें रिचार्ज कर सकते हैं और इस बार सबको सही पावर्स मिलेंगी। इस मशीन में बहुत बदलाव किए हैं। मैं मदद कर रही हूँ। सच में? मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हाँ, और हमारा पहला कंपोनेंट पूरा हो चुका है। हल्की क्या मारे कॉन्सेंट्रेशन बीम, दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। कमाल कर दिया। तो तुम वो बस लेवल पार्टिकल एक्सेलरेशन कर चुके हो? बस करने ही वाला था। ये जरूरी होता है कि शुरुआत बेस। ये क्या, ये क्यों निकला हुआ है? है वरना गामा रेज इन्वर्टर्स, वो प्लग किसने लगाया? वाओ, कैसे निकला ना वो दीवार तोड़कर? क्या क्या हद कर दी कैंडिस, समझाने के बाद भी नहीं समझती तुम। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। तुम्हारी सुबह की मदद हमें बहुत भारी पड़ने वाली थी। मुझे लगा सुबह की इतनी बड़ी गलती के बाद तुमने कुछ सीखा होगा। पर मैं पर कुछ नहीं, तुमने फिर से मदद करनी चाहिए जिसकी वजह से बलजीत हल्किफाय हो गया और साथ ही हमारी हीरोज की ताकत को वापस लाने की कोशिश पर भी पानी फेर गया। ये बहुत जरूरी काम है और अब हम यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहते। मैं तुम्हारा शर्ट कार्ड वापस ले रहा हूँ, तुम्हें जाना होगा अभी। समझाया उसे, फीनिक्स को गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा आने के बाद कुछ नहीं देखता ये। हाँ,
उसे ढूंढना होगा। हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है, हमारा मिशन कुछ और है। तो फिर मैं जाऊंगी उसे ढूंढने। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, तुम यही रहो, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मतलब तुम मुझे डरपोक समझते हो? क्या मैं आज तक कभी तुमसे डरी हूँ? जो कहना है वो कह लो। कैसे हो एजेंट बी? शील को खबर मिली है कि वो सुपर विलन डाउनटाउन डैनविल में एक अजीब सी शेप वाली इमारत में छिपे हुए हैं। हमें पता लगाना होगा कि वो क्या करने वाले हैं, और हो सके तो उन्हें रोकना होगा। एजेंट भाई, मोनोग्राम, ये क्या अब दाढ़ ही भी? क्या आपने ये स्टाइल रजिस्टर कर रखी है ताकि कोई और न रख सके? मुझे बचपन से ही अलग अलग तरह की मशीनें बनाने का शौक रहा है। मुझे सब ने रोका, सब ने टोका, किसी ने पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा, पर मैं नहीं रुका। मैं मशीनों पर मशीनें बनाता रहा, आज भी वही कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। वैसे ये बात बताओ कि तुम लोगों को एक दूसरा पावर ड्रेनिनेटर किस लिए चाहिए? ताकि हमें तुम्हारी बेवकूफियों को और न झेलना पड़े। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था हम दोस्त हैं, हम साथी हैं, साथ में काम करेंगे। हम साथ में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मकसद अलग हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं। पर हम ट्राई स्टेट एरिया को कब्जे में नहीं करना चाहते। हम उसे बर्बाद करके सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारे रास्ते में आने वाले का क्या अंजाम होता है। तुम ट्राई स्टेट एरिया को बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि उसके बाद ही लोग हमें गंभीरता से लेंगे। काश मुझे पहले पता होता तुम्हारा इरादा ये है। पता नहीं मैं तुम्हारे चक्कर में क्यों पड़ गया। तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो। खामोश। एक बार अपने इरादे साफ कर देने के बाद हम सारे सुपर हीरोज की जख्तियाँ खींच लेंगे और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो तुम लोग। पर पहले वेनम, छिप कर बैठे उस मच्छर को पकड़ लो। अब उन कमजोर हो चुके हीरोज तक संदेश पहुंचाने का वक्त आ गया है। चलो जल्दी चलो। तुम भागने के मामले में बहुत सुस्त हो। अगर समय होता तो तुम्हें अपने दुश्मन पेरी द प्लैटिपस से मिलवाता, वो इस सब में बहुत माहिर है। उसके आंगन में फ्रांस द एलिफेंट की एक मूर्ति है। हे कैंडिस, क्या कर रही हो? बस यूं ही लेट कर दुख मना रही हूँ। मैं समझती हूँ। वैसे तुमने ध्यान दिया, वहाँ कोई भी फीमेल सुपर हीरो नहीं पहुँची। मतलब यही हुआ ना, ये सारे बॉयज मिलकर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी पर बहुत गड़बड़ हो गई। मुझे कुछ नहीं आता। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। है लड़कों की ये बातें, लड़कों के खेल बनाते और वो इतना शोर मचाते, वरना क्यों चिल्लाती मैं? क्यों लगा नहीं जाना था मुझको, ये प्रॉब्लम हुई है सबको, कोने में धकेला मुझको, सबने मुझको निकाला है। नहीं दोष किसी का देना, लेकिन हो सकता है ना, हर किसी को साथ मिले और खेले। मैं खो रही हूँ हिम्मत, नहीं किसी को मेरी जरूरत। मैं छुपाऊंगी छुपे ना, ये खुद पे भरोसा नहीं है। मैं हारी तो नहीं हूँ, पर जीती भी तो नहीं हूँ। कुछ भी करो तो गड़बड़ हो, मुझे सिर्फ मदद करनी है, मदद ही करनी है, मदद ही करनी है, मदद ही करनी है, मदद ही करनी है ना, मदद ही करनी है ना, मदद ही करनी है, मदद ही करनी है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे फिनियस। हेलो लड़कियों, बुरा मत मानना, मैं लॉन की प्यास बुझा रहा था, बस हो गया। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, शुक्रिया ब्यूफर्ड, मुझे गुस्से वाला मॉन्स्टर बनना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ क्योंकि तुमसे ठीक से हो भी नहीं रहा था।
अच्छा, मुझे लगा मैं खतरनाक लग रहा था। नहीं नहीं, अभी बहुत कमी है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। जैसे कि जब किसी का शर्ट पकड़ो तो उसे उठाने से पहले उसे प्रेस करना चाहिए और फिर जोर से चिल्लाना चाहिए, समझे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बातचीत पर चिल्लाने की? बढ़िया, थ्रो तो बुरा नहीं था, पर जब तुमने मेरी शर्ट पकड़ी उसे ट्विस्ट नहीं किया। तुम एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो। ओ, बलजीत सुनो मेरी बात। डैनविल और आसपास के ट्राइस्टेट में रहने वालों, अपने निश्चित अंत के लिए तैयार हो जाओ। अगर वो आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर और हल्क यहाँ नहीं पहुँचे, हम तुम पर उससे कई गुना खतरनाक उपकरण से हमला करेंगे जिससे उन पर किया था। मोडॉक के कई बदलावों के बाद हमारा पावर ड्रेनिनेटर सिर्फ पावर नहीं खींचता है, ये एनर्जी, मैटर, सामने मौजूद हर चीज को खींच लेता है। देखो, हद हो गई, और मैं न्यूयॉर्क से ये सोच कर आया था कि यहाँ ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। दोस्तों जरा यहाँ आकर ये देखो तो हीरोज, या तो हमारे सामने घुटने टेको या फिर हम इस हथियार का इस्तेमाल पूरे ट्राई स्टेट एरिया पर कर देंगे। ओह, ये तो बहुत जालिम है, और इसीलिए हमें उसकी इन बेकार बातों को धमकी से कम नहीं समझना चाहिए। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? वही जो करना चाहिए। पर तुम्हारे पास पावर्स नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो है हमें उसी से लड़ना होगा। कोई भी कवच पहनने से हीरो नहीं बनता, उसके लिए इरादों में दृढ़ता और दिल में सच्चाई चाहिए। वाओ, क्या डायलॉग था। मैं भी चाहता हूँ कि कभी कभार ऐसे डायलॉग्स मारूं। मुझे अपना स्टूडेंट बना लो ना प्लीज। स्पाइडरमैन, ये मजाक का वक्त नहीं है। सॉरी। उफ, इतना कुछ करने के बाद भी सूट में अभी बहुत काम बाकी है। अगर हम पावर फ्लो को बैकअप सर्किट से फिर से जोड़ेंगे तो हमारा 60% काम हो जाएगा। मुझे लगता है अगर मैं एक और बार माफ़ी मांगूंगी तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तुम्हारे भाई हैं, वो जरूर समझेंगे। फिनियस, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तुम अंदर कैसे आई? मैंने तुम्हारा शेड आईडी ले लिया था ना। इजाबेला ने मुझे अपना गेस्ट पास दे दिया। ठीक है, पर किसी चीज को हाथ मत लगाना। मेरी एक बात तो सुन लो। शोल्डर जॉइंट तैयार है। एक्सक्यूज मी कैंडिस। फिनियस, एक मिनट मेरी बात सुनोगे? कैंडिस, तुम समझती क्यों नहीं, वो लोग मुसीबत में हैं। अगर हम उनकी मदद के लिए डाउनटाउन नहीं पहुँचे तो ये उनकी आखिरी लड़ाई होगी। वो हीरोज क्यों नहीं आ रहे? चिंता मत करो, वो जरूर आएंगे। मेरे सेंसर्स बता रहे हैं कि वो हीरोज आ रहे हैं। लो आ गए, बस को घेर लो। हट जाओ सामने से बेवकूफ, और दिखाई नहीं देता है। एक माइंड बॉल, क्या ये सच है? Hey, छोड़ो, जब मैं ऐसा कुछ कुछ करता हूँ तो दिमाग में कुछ कुछ होता है क्या? वो हमारे कब्जे में है, और वो बूढ़ी और नहीं, वो नहीं, वो इनकी जाति नहीं है। तो तुम एक सुपर हीरो हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए? Hey, oh, wow, wow, अपने साथ वायर किधर लाए हो? Hey, उसमें से निकलने के बाद मुझे निकालना मत भूलना प्लीज। हमारे पास सिर्फ राइट साइड वाली आधी सर्वो मोटर्स ऑनलाइन है। ये मजाक नहीं है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, बहुत खतरा है। Phineas? घबराओ मत इजाबेला, लॉन्चिंग सीक्वेंस शुरू करो। फर्ब, फिनियस, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जेट है। तो एक से ही काम चलाना पड़ेगा। फिनियस! देखा तुमने, तुमने उन इंसानों को बचाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी जिन्होंने वक्त पड़ने पर तुम्हें ठुकराने में एक मिनट भी नहीं लगाया। विप्लैश, मैं उससे बात कर रहा था। माफ करना। अपने आसपास देखो, अब ना तुम्हारे पास पावर है, ना दोस्त है, ना शादी है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हमारे पास बलजीत है। बलजीत, माफ करना, ये चाहता है कि इसे हल्क जीत बुलाया जाए। और ये चीज शायद कोई पक्षी है, ये भी हमारे साथ है। और वो पत्थर की शक्ल वाला पक्षी, खैर वो तो है ही। और सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि ये बिस्किट्स कहां शूट कर रहा है। बहुत मजा आ रहा है। रेड जी, ये भी कुछ काम का है क्या? ये मुंडेनियम फाइनाइट रिएक्टर कोर है। ओह, यानी बहुत काम का है। जाओ पकड़ो उसे, तब तक मैं इन्हें जगाऊंगा। ओ तुम,
थैंक्स बलजीत। बलजीत खोई हुई सुपर पावर्स के बारे में एक बात समझ नहीं आ रही है। हर कॉमिक में यही पढ़ा है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है या उसे स्टोर किया जा सकता है। कैंडिस, जब हम स्पेस स्टेशन में थे हम डेटा को इकट्ठा करके उसे स्टोर करके रख रहे थे। कहाँ पर थे तुम? आओ मेरे साथ बैठ जाओ। पहले बताओ बात क्या है। तुम बैठो तो सही। ओ, यहाँ छुपा हुआ था ये। वाह, क्या स्पीड है। ये कलाकारी मेरी है। चलो इसे पकड़ो, मैं उन्हें संभालता हूँ। उनका सिर फोड़ दो टॉमी। बच्चों तुम कहीं छिप जाओ। कितनी अजीब बात है ना, ये स्पेस स्टेशन फिनियस जैसा दिखता है। ये अजीब नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओ, तुम भी ना। देखो ये कलेक्शन टैंक, इसमें कुछ चमक रहा है। ये जरूर वो पावर्स ही होंगी। लगता है लड़ाई शुरू हो गई है। अब इन पावर्स को नीचे भेजने का काम शुरू कर दो। लेकिन वो मुझे नहीं आता। क्या बात कर रही हो, फिनियस ने समझाया नहीं था। हाँ, उसने कहा था इजाबेला ब्ला 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 इजाबेला ब्ला ब्ला ब्ला। उसने एस्ट्रोनॉट सूट पहन रखा था, मेरा ध्यान भटक गया। वो मुंडेनियम फाइनाइट है, पकड़ो उन्हें। ओ, ये बिस्किट्स काफी नहीं हैं। काश मैं उन सबको डिसइंटीग्रेट कर पाता। हाँ, अरे हाँ, ये डिसइंटीग्रेटर इनेटर जो है। पता नहीं मैं क्या सोचा था। ओ, अभी से क्या हो गया? और ये प्रॉब्लम है। ओ, मुझे एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए, इतनी लंबी। इजाबेला, मुझे लग रहा है इस बटन से वो सुपर पावर्स रिलीज होंगी। पर तुम्हें कैसे पता? देखो ना, ये लाल है और उस पर भी कुछ लाल बटन्स हैं, तो यही हो सकता है। तुम्हारी इस बात के पीछे जरा सा भी लॉजिक नहीं है। है इजाबेला, दो बार नाकाम होने वाला तीसरी बार कामयाब होता ही है। सिस्टम खत्म हो रहा है। हम पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी? ओके, इतनी लंबी देखता हूँ। बहुत छोटी है, बहुत लंबी है। ये तो बहुत ही छोटी है, ये क्यों रखी हुई है मैंने? अगर आप अपने लेफ्ट में देखेंगे तो आपको आर्ट डेको स्टाइल में बनी जेपी मैकहेनरी बिल्डिंग दिखाई देगी, और आपके राइट में है डैनविल का सबसे पुराना आर्केड, जिसे 1982 में बनाया गया था। सिर्फ हाथ नहीं, पूरी बाजू गई। ये तो टूटता ही जा रहा है। ए, यहाँ पर देखो। बहुत हो सकी बेवकूफियां, अब वो वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ पूरे ट्राइस्टेट एरियाज की बर्बादी देखने के लिए। हे फब, ये हमारा स्पेस स्टेशन है ना? यो हीरोज, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कैंडिस, ये तो हमारा डेटा कलेक्शन टैंक है। नहीं, शाबाश, चलो कोई तो अपना दिमाग सही इस्तेमाल कर रहा है। मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ स्पाइडी। गिरे तो भी टांगों पर तजावरों कौन है? सुपर लग रहा है, सुपर सुपर मैं सुपर सुपर रह जाओगी तंग।
सुपर सुपर हथौड़ा नो पार्किंग में पार्क कर दिया सुपर 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 लगता है हमारी जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है आयरनमैन कि तुम फिर से पहले जैसे हो गए हो। यप, तब लोग आराम से बैठकर शो का मजा क्यों नहीं लेते। ओह, अब तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल। तुम क्या देखते हो और लंबी हाँकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें रोना है मुझे, तो आओ मुझसे बोलो कितना दम है, जो आपने है उसको चलाओ, मुझको गिराओ। कर सकते हो तुम फिर दिखाओ, पर मुझे लगे ना जो टूटे हाथ कोई जितनी अहर है, तुम ना करके दिखाओ, मैं ये कहूँगा। एक तीर से दो निशान मेरे सिर के सहारे, तुम समझ गए हाँ? गुस्से में मैंने तुमसे बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो कैंडिस। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ी सब। पता है तुम मदद करना चाह रही थी और आखिर में तुमने ही सबकी जान बचाई। शुक्रिया। तो तुम अपना शर्ट मेंबरशिप कार्ड वापस लोगी? मैंने इसे जोड़ दिया है। क्यों नहीं लूंगी? क्या क्या वो मॉम है? तुम लोग बहुत अच्छे हो और मुझे खुशी है हम कामयाब रहे, पर यहाँ की हालत तो देखो। सॉरी पर तुम नहीं बचोगे मॉम। अंदर डाल दो। कमाल कर दिया बच्चों, तुमने न सिर्फ हीरोज की पावर्स वापस दिलाई, साथ ही तुम उनके साथ मिलकर बहुत बहादुरी से लड़े। शील्ड तुम सबको सलाम करता है। मेरी तरफ से सबको एक एक हॉट डॉग। और फिर 3 साल बाद उस जगह पर एक नया डे केयर सेंटर बनाएगा। मॉम 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 जल्दी स्क्वायर पर चलिए, वो फिनियस और फॉब का स्पेस सैटेलाइट पृथ्वी पर गिरा और उन विलन्स के पास एक मशीन थी जिसे वो ट्राइस्टेट एरिया को बर्बाद करना चाहते थे, वहाँ सुपर हीरोज भी थे, एक बार देख लो ना। कमाल की बात है, वो टूर में नहीं। हमेशा शक मत किया करो मॉम, चलो। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है फॉब, इंटर्नशिप अगले समर में, मजा आएगा तुम्हें। अगली बार फिन जूस बॉक्स मेरी तरफ से होगा। ओके ठीक है स्पाइडी। ठीक है। बुद्धू बनाया। आखिर सही लंबाई की एक्सटेंशन कॉर्ड मिल ही गई। आप नहीं बचोगे तुम। मॉम उसकी शेप फिनियस के सिर जैसी है और सुपर हीरोज भी हैं। पर सही कहा, वहाँ है। क्या हल्क आयरन मैन थोर सब हैं वहाँ। मैं भूल गई थी तुम्हें कॉमिक्स कितनी पसंद है। पर मेरा मतलब ये नहीं, वो कहाँ चले गए? बाकी के टूर में मेरे साथ चलोगे? नहीं, मेरा घूमने फिरने का मूड खत्म हो गया। देखा मेरा कमाल? किसने देखा? देखा नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा, मुझे कोई नहीं देखता है। वो देखो वो अनजान सुपर हीरो जा रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम्हारी असली पहचान क्या है? ब्यूफर्ड, एक हीरो अपनी असली पहचान कभी नहीं बताता। कैसे नहीं बताएगा, ये देखो। डकी मोमो? डकी मोमो? अजीब बात है, मुझे लगा था कि वो एक एंथ्रोपोमॉर्फिक प्लैटिपस है, क्योंकि उसकी पूछ उस तरह की थी। ओ पेरी, तुम हमेशा मजा मिस करते हो।